नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। चिमनगंज पुलिस ने तराना रोड स्थित बदरखां गांव के खेत से एक युवक की सिर कुचली लाश बरामद की थी। तीन दिन बाद युवक की शिनाख्त हुई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के मामले की जांच शुरू की और मृतक के दोस्तों को ही हत्या के मामले में गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि मृतक के संबंध आरोपी की पूर्व प्रेमिका से थे, जिसे रास्ते से हटाने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। ये चिमनगंज थाना क्षेत्र का जो मामला है, इसमें पुलिस को एक अज्ञात लाश मिली थी। उसके बाद में पुलिस द्वारा इसकी पहचान की गई। पहचान होने के पश्चात जब पूछताछ की गई तो ये क्लियर हुआ कि जो मृतक है और इसमें मुख्य आरोपी है, उसकी एक ही महिला मित्र थी और उस महिला मित्र को लेके दोनों के बीच विवाद था और इस विवाद के कारण मुख्य आरोपी ने प्लानिंग के तहत दो अन्य व्यक्तियों से उसको गाड़ी पर भेजकर गला दबा के गमछे से हत्या की गई। बाद में पत्थर फेंककर लाश की पहचान छुपाने का भी प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को कस्टडी में लिया गया। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।